जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। तो पॉलिटी और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री खत्म नहीं हो रही है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास और भारतीय राज्य व्यवस्था, अगर ये किताबें जो है वो आप फिनिश नहीं कर पा रहे हो तो अगेन आपके लिए एक ऑफर आ गया है। मात्र 99 रुपीज में कंप्लीट पॉलिटी का कोर्स इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करवाई जाएगी। क्लास के दौरान पूरे कंप्लीट लेक्चर्स हैं 50 से भी ज्यादा घंटों के, और पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। और ये पूरा करने के बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं। और पॉलिटी और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ये सबसे बड़े सब्जेक्ट्स होते हैं। इन सब्जेक्ट्स की अगर आपने अच्छे से तैयारी जो है वो कर ली, तो एग्जामिनेशन का ये मान के चलिए कि 40-50% सिलेबस आपका पूरा फिनिश है। क्योंकि मैक्सिमम वेटेज जो होते हैं ये दो सब्जेक्ट्स के सबसे ज्यादा होते हैं और सबसे ज्यादा लेंथी सब्जेक्ट्स होते हैं। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स 70 से भी ज्यादा घंटों की क्लासेस मात्र 150 रुपए में। तो 99 में पॉलिटी का, 150 रुपए में जो है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कोर्स, ये पूरा आपको जो है वो मिल जाएगा। जल्दी जल्दी इनरोल करिए। लास्ट टाइम ये ऑफर लाया गया था तो कुछ घंटों में ही पूरी सीट्स खत्म हो गई थी। सिर्फ 250 स्टूडेंट्स के लिए जो है ये ऑफर अवेलेबल है। और ये जो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर जो है वो तुरंत कॉन्टेक्ट करके जो है वो आप कोर्स को रहे वो ज्वाइन करें। जय हिंद। ऑलराइट, जय हिंद स्टूडेंट्स। मेरी आवाज आपको प्रॉपरली सुनाई दे रही है तो प्लीज बताइएगा। हम लोग करेंगे सेशन को स्टार्ट। हम आज जो है वो वैदिक काल के बारे में जो है वो कवर करने वाले हैं। वैदिक काल के बारे में कवर करने से पहले मैं कुछ चीजें जो है वो आप लोग को बताना चाहूंगा। आइए, ये देखिए, सबसे पहली चीज तो जैसे कि आप यहां पर जो है वो देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक मिनट मैं भी ओपन कर लेता हूं, और किसी को कुछ भी पूछना हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो जैसे कि हम वैदिक काल के बारे में बात करें तो देखो, वैदिक काल से रिलेटेड हमने ऑलरेडी पहले पूरी चीज पढ़ चुकी है आपको। आई थिंक स्क्रीन जो है वो दिखाई दे रही है। हाँ, अब देखो जैसे कि ये वैदिक काल के बारे में, ये जैसे मैंने ये ओपन की हुई आपके सामने, इस प्रकार से पहले हम जो है वो कवर अप कर चुके हैं। ओपन हो रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, जैसे ये देखो, ये नोट्स से जो है हमने चीजें पढ़ी थी, ये इस पे, इसको अगर मैं खोल लूं ये वाली पीडीएफ, तो इस तरीके से हमने वैदिक काल के बारे में जो है वो पढ़ा था। ये देखिए आप, ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इस तरफ हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि सबसे पहले हमने एक बेसिक आइडिया वैदिक काल के बारे में ऑलरेडी ले लिया। जो स्टूडेंट हमारे साथ जो है वो सबसे पहली क्लास से जो कवर कर रहे हैं, तो उनको ऑलरेडी आइडिया जो है वो मिल चुका है कि वैदिक काल के अंदर क्या क्या चीजें थी। और अभी लेटेस्ट हमने जो है वो वैदिक काल के बारे में इंग्लिश में भी जो है वो कवर अप करी पूरी चीजें। अब देखो होता क्या है, इस एग्जामिनेशन के अंदर हम इतनी जगह से चीजें कवर कर लेते हैं कि आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ फोकस करना है अपनी अंडरस्टैंडिंग पर, अपनी समझ पर, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको चलना है। ये चीज अगर आपने कर ली तो एग्जामिनेशन क्रैक करने से आपको कोई भी नहीं जो है वो रोक सकता है। तो ये इस प्रकार से देखो, हमारे प्रॉपर नोट्स इस तरीके से जो मिलते हैं। तो आज सवाल ये है, आज हम लोग जो है वो एक और नए ढंग से जो है वो चीजें कवर करेंगे। वैदिक काल मतलब आखिरी पार्ट, मतलब ये तीन पार्ट्स आपने कवर कर लिए। जैसे पहले मैंने आपको एक बेसिक पढ़ाया, फिर इंग्लिश वाले बुक से मैंने आपको चीजें कवर कराई, अब मैं आपको हिंदी वाली हमारी किताब से जो है वो चीजें कवर करा रहा हूँ। ये हमारी खुद का पब्लिकेशन, आप देख सकते हैं, झांसर अकेडमी फॉर आईएएस, हमारी खुद की किताब है। और जो जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया है तो ये किताब जो है वो आपको जो है वो मिल जाएगी। जनवरी 2024 से जो हमने अभियान शुरू किया था कि आपकी दी हुई फीस का एक हिस्सा वेलफेयर एक्टिविटी में जाएगा, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ दुआएं भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और जहां शिक्षा और दुआ एक साथ मिल जाती है तो सफलता पक्की होती है। तो झांसर अकेडमी फॉर आईएएस को ज्वाइन करिए, और ये दुआ आप सभी लोगों के लिए है। जय हिंद। ठीक है, तो हम जो है वो देखो, ये वैदिक काल जो है ये टॉपिक है हमारा, इसको हम कवर करेंगे। और ये हमने कवर कर लिया तो ये मान के चलिए कि पूरा टॉपिक जो है ये आपका पूरा फिनिश हो गया। आपको कहीं और से कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तीन पार्ट्स को कवर कर लेना है जो वीडियो के माध्यम से ऑलरेडी हमने कवर किए हुए हैं, और अब ये पीडीएफ के माध्यम से भी आपको पूरी चीज जो है वो अवेलेबल करवा दी गई है। तो इस तरीके से पढ़ोगे तो एग्जामिनेशन में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर का नहीं आएगा। इसलिए तो हम क्लेम करते हैं कि 80% क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में हमारी पढ़ाई गई क्लासेस और नोट्स से नहीं आए, तो पूरी फीस वापस। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि इस पैटर्न में हम लोग कवर करते हैं। तो आप लोग को ज्यादा से ज्यादा जो है वो सपोर्ट करना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए। तो शेयर जरूर करिएगा, सपोर्ट जरूर करिए, क्योंकि ये इतनी मेहनत जब हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा शेयर जो है वो आपका ही बनता है। और भी लोगों को जोड़िए इंस्टीट्यूशन से,
और बताइए लोगों को कि हाँ यार यहाँ पर तरीके से जो तैयारी होती है जो सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो हम शुरुआत करेंगे, आपको सिर्फ ध्यान लगाकर सुनना है क्योंकि समझ आप टॉपिक को ऑलरेडी पहले चुके हो, आपको ध्यान से सुननी है चीजें जो मैं बोलता जा रहा हूं और बीच में आपको समझाता भी जाऊंगा, और प्लस आपको ध्यान देना है कि मैं किन किन जगहों पर जो है वो मतलब लाइन जो है वो मार रहा हूँ, लाइन मार रहा हूँ मतलब ये लाइन लगाऊंगा जहां जहां पर भी मैं इस प्रकार की लाइन जो है वो मार्क करूंगा, तो दैट मीन्स कि वो चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। तो अल्टीमेटली हम लोग को जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु सभ्यता जैसे ही खत्म होता है तो उसके बारे में पूरी जानकारी हमें कौन दे रहा है, वेद दे रहे हैं। राइट, आपने पढ़ चुका है ऑलरेडी ऋग्वेद, अथर्ववेद, राइट, सामवेद, यजुर्वेद, तो ये सब चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो एक बार आपका रिविजन हो रहा है ये पूरा और पूरी चीज दिमाग में आपके बैठ जाएगी। वैदिक सभ्यता के अध्ययन का आधार वैदिक साहित्य है, वैदिक लिटरेचर जो हम लोग को देखने को मिलता है उससे हमें पूरी जानकारी मिलती है। किसके बारे में मिलती है? वैदिक सभ्यता, वैदिक कल्चर के बारे में। इसलिए इस काल को हम वैदिक काल अथवा वैदिक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। चूंकि इस संस्कृति के प्रवर्तक आर्य लोग थे इसलिए कभी कभी आर्य संस्कृति का नाम भी दिया जाता है इसको, क्योंकि आर्यंस एंटर किए थे। मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में जब पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन होता है तो उसमें एक कारण यह भी है कि फॉरेन इन्वेजन यानी कि बाहर से लोग जो है वो आए थे और वो थे आर्यंस जो इंडिया के अंदर एंटर हुए थे, और उस कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन होता है, सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होती है और एक नई सभ्यता शुरू होती है जिसको हम लोग बोलते हैं वैदिक सभ्यता। यहां तक बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। तो यहां आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, उदात्त, अभिजात्य, कुलीन, उत्कृष्ट, स्वतंत्र आदि हैं। तो आर्य के मीनिंग इन्होंने बता दी कि ये मतलब आर्य के होते हैं। यह काल 1500 पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक अस्तित्व में रहा और भारतीय इतिहास में 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक के कालखंड को वैदिक संस्कृति कहते हैं। तो आपके सामने जो है वो क्या आ गया, टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड आपके लिए इंपॉर्टेंट है वैदिक का, तो ये नोट कर लेना। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है रचना काल की दृष्टि से वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा जाता है, ऋग्वेद, ऋग्वेद वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल। अब देखो एक होता है अर्ली वैदिक पीरियड और एक होता है लेटर वैदिक पीरियड, जो हमने पढ़ा ना दो पार्ट्स, एक पहले का और एक बाद का। क्या कोई मुझे बता सकता है कि जो अर्ली वैदिक पीरियड है वो कौन सा है, पुराना है कि नया है? अर्ली वैदिक पीरियड जो है वो नया, लेटेस्ट वाला, यानी कि पीछे आप जाओगे तो लेटेस्ट वाला हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि बाद का, बाद का। अब देखो इसको इस तरीके से बताया गया है जब हम खुदाई करते हैं, क्योंकि ये सब चीजें कैसे मिल रही है हम लोग को, पुरातात्विक जो विभाग है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो क्या करता है, खुदाई करता है। तो जब हम किसी भी चीज को खोदते हैं तो खुदाई में जो पहली चीज मिल रही है तो वो नई होगी या पुरानी होगी, वो नई होगी। फिर हम और खोदेंगे तो वो पुरानी हम लोग यानी कि स्टार्टिंग पीरियड की हम लोग को देखने को मिलेगी। तो इसलिए ये दो भागों में बांटा गया, बात समझ में आई। अब वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्य लोगों को दिया जाता है और भारत में आर्यों के आगमन से लेकर ऋग्वेद की रचना तक के काल को अर्थात 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक के कालखंड को ऋग्वेदिक काल की संज्ञा जो है वो दी जाती है। अब देखो आपको समझ में आया ऋग्वेदिक काल जो है वो कौन सा पीरियड है, तो ये 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व का पीरियड को ऋग्वेदिक पीरियड बोलते हैं। बस ये ध्यान में रखो दिमाग में, बस इतनी चीज, जो चीज मैं अंडरलाइन कर रहा हूं सिर्फ वही चीज आपके लिए काम की, और उसके नोट्स आप बनाते चलो, लिखते जाओ साथ ही साथ, अगर छोटे छोटे वर्ड्स अगर लिखने तो फिर बाद में उसका जो है एक फ्लो चार्ट माइंड मैप जो है वो बनाकर अपने पास जो है वो सेव कर लेना, जो कि मैंने आपको काउंसलिंग में बताया था कि इस तैयारी के दौरान नोट्स आपके अच्छे से बनने चाहिए, माइंड मैप्स प्रॉपर जो है वो बनने चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और जैसे ही पैराग्राफ खत्म हो गए, एक टॉपिक पूरा खत्म होगा, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन जो है वो ले लूंगा, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ भी जो है वो सकते हैं। और इसके अलावा आगे की जो है हम चर्चा करते हैं, तो ऋग्वेदिक काल की संज्ञा दी गई है किस टाइम पीरियड को, 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के टाइम पीरियड को, तथा शेष अन्य वेदों ब्रह्मांड, आरण्यक के बारे में हमने डिस्कस किया था, उपनिषद के बारे में डिस्कस किया था, इसके रचना काल को अर्थात 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व का पीरियड बताया गया। मतलब कि 1500 से 1000 500 साल का पीरियड ऋग्वेदिक का है, और 1000 से 600 मतलब कि 400 सालों का पीरियड जो है वो बाकियों का, वेदों का है, दूसरे वेद जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, अथर्ववेद, समवेद, राइट, यजुर्वेद, ये हो गए, फिर ब्रह्मनाज हो गया, अरण्याकाज हो गया, उपनिषद हो गया, तो इनको अलग अलग मतलब 400 पीरियड के टाइम पीरियड में इनको रख दिया गया। बात समझ में आई।
इसके कालखंड को उत्तर वैदिक काल के नाम से जो है वो जाना जाता है, और वैदिक संस्कृति का नाम ऐसा इसलिए पड़ा कि वेद उस काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। वेद चार है, कौन से वेद, तो आपको ऑलरेडी पता है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्वेद, यजुर्वेद, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। इनमें से ऋग्वेद की रचना सबसे पहले हुई थी, और ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः वाला जो गायत्री मंत्र हम लोग को देखने को मिलता है ना, वो ऋग्वेद में है। और किस माता को समर्पित है, तो वो सविता, सूर्य माता को जो है वो समर्पित है। और मैंने अभी आपको एक माइंड मैप जो है वो दिए थे, उस माइंड मैप में इसके बारे में जानकारी थी, ठीक है, नहीं बताओ, वैदिक गॉड का जो माइंड मैप हम लोग को देखने को मिला था उसके बारे में ये जानकारी थी कि नहीं थी, जो मैंने आपको माइंड मैप्स पढ़ाया था अभी कुछ दिनों पहले, रिकॉल कर पा रहे हो चीजों को कि नहीं कर पा रहे हो? स्टूडेंट्स, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, IAS, IPS, SDM, DSP या कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूंगी हम क्या क्लेम करते हैं। हम ये क्लेम करते हैं कि 80% क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हमारी पढ़ाई गई क्लासेस और नोट्स से नहीं आए, तो पूरी फीस वापस। और फीस को लेकर चिंता मत करना, आगे तक देखते जाओ, मजा आने वाला है। अब दिमाग में सवाल आएगा कि ऐसा कैसा क्लेम कर रहे हैं कि 80% क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इनकी पढ़ाई गई क्लासेस से आता है, तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं, हम बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल स्क्रैच से पूरी चीज कवर कराते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू लेवल की कंप्लीट प्रिपरेशन, और कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के अंदर जो हम जनरल स्टडीज का कोर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, वो पूरा का पूरा जो है वो आपके लिए सफिशियंट होने वाला है, प्रीलिम्स, मेंस सबके लिए। इसके अलावा क्लासेस हम लोग कहां पर कंडक्ट करवाते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन पर, हमारी एप्लीकेशन है, ये इसका नाम लिखा हुआ है, झांसर अकेडमी फॉर IAS, जो आपको प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पर जो है वो मिल जाएगी, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आप कोर्स ले सकते हैं। बात करते हैं कोर्स की फीस क्या है, तो कोर्स की फीस में बताने से पहले आपको बताता हूँ क्या क्या मिलेगा आपको कोर्स में। 500 से भी ज्यादा घंटों की लाइव क्लासेस, 280 से भी ज्यादा घंटों की करंट अफेयर्स की फ्री क्लास, फ्री करंट अफेयर्स की क्लास, यानी कि अगर आप कोर्स नहीं भी ले रहे हैं तो रोज आपको करंट अफेयर्स की फ्री क्लास जो है वो लाइव हमारी एप्लीकेशन पर मिलेगी, प्लस उसकी रिकॉर्डिंग, प्लस उसकी PDF भी। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों की क्लासेस अवेलेबल हैं, प्रॉपर आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, प्रॉपर नोट्स बनवाए जाएंगे क्लास में, और इतना बड़ा जो हम लोग क्लेम कर रहे हैं कि 80% एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस हमारी प्रोवाइड की गई क्लासेस और नोट्स से आएंगे, उसके हर सैटरडे को प्रूफ देते हैं। जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं, चाहे वो मेंस का हो या प्रीलिम्स का हो, हर सैटरडे वाले दिन उसका प्रूफ आपको दिखाया जाता है, जिससे कि आपके पास एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हम भी एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। अब बात करते हैं फीस की, तो मात्र 7500 रुपए में पूरी एक साल की तैयारी। अब और सिर्फ फीस 7500 रुपए में अगर आप आज बुक करते हैं, तो ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर पूरी किताबें हैं A to Z, तो ये आपके घर पर जो है वो डिलीवर करवाई जाएगी। इंग्लिश मीडियम की अलग किताबें, हिंदी मीडियम की अलग किताबें, अगर आज अभी के अभी बुक करते हो तो ये फ्री गिफ्ट हमारी तरफ से जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इतना सब कुछ आपको कितने में मिलेगा, मात्र 7500 रुपए में, इंक्लूडिंग बुक्स जो आपके घर पर डिलीवर की जाएंगी, इंग्लिश मीडियम की अलग, हिंदी मीडियम की अलग, जो आपके, तो देरी मत करो, नीचे जो आपको बटन दिखाई दे रहा है लर्न मोर का या बाय नाउ का, उस पर क्लिक करो, डायरेक्ट कोर्स पे जाओ और कोर्स परचेज करो। जब आप कोर्स परचेज करोगे, उसके बाद आपकी 1-to-1 लाइफ काउंसलिंग होगी, और जिस काउंसलिंग में आपकी पूरी स्ट्रेटजी बनवाई जाएगी कि कैसे इस एग्जामिनेशन को आप क्रैक कर सकते हो इजीली। सो देरी मत करो, तुरंत के तुरंत आज ही अपना एग्जामिनेशन क्रैक करने का सपना जो है वो साकार करो। जय हिंद। नहीं कर पा रहे हो तो मैं एक चीज आपको और अपनी तरफ से दिखाता हूं, एक मिनट रुकिएगा, अब मैं लेकर जाता हूं आपको एक चीज पे। ये देखिए, इस प्रकार से हम माइंड मैप्स के थ्रू भी जो है वो चीजें पढ़ते हैं। दिख रहा है आपको माइंड मैप? देखिए भैया, तो हमने जो है वो क्या चीज इस माइंड मैप के अंदर जो है वो डिस्कस करी थी। अच्छा, ये तो ऋग्वेद की इकोनॉमी और रिलीजन हो गया, और ऋग्वेद के गॉड भगवान हो गए ऋग्वेद के, तो इसमें जो है वो हमने सावित्री के बारे में भी जो है वो डिस्कस किया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। सूर्य से रिलेटेड ही हम लोग को देखने को मिला था, यहाँ पर मुझे दिख क्यों नहीं रहा है सावित्री, वी हैव डिस्कस्ड, ये देखो, ये आ गया, आ गया, ये देखिए आप, ये देखिए, अदिति सन सावित्री, सावित्री एक और नाम है सूर्य का, गायत्री मंत्र सावित्री से डेडिकेटेड है। देखो ये बिल्कुल, ये चीज भी मैंने आपको दे रखी है, क्यों? क्योंकि आपकी आपके लिए ऑलरेडी आपकी तैयारी हो चुकी है आधी से ज्यादा, बस आपका ये रिवीजन
मॉडल है, मजा आ रहा है भी? तो झा सर के साथ जुड़े हो तो ऐसे ही मजा आएगा और पूरी चीजें इस तरीके से प्रिपेयर होगी कि हंसते हंसते आपका एग्जामिनेशन निकलेगा, हंसते हंसते यूपीएससी में रैंक लगते। चलिए, तो गायत्री मंत्र, चार वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्वेद, यजुर्वेद, इनमें से ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना, सबसे पहला, और उसी में गायत्री मंत्र हम लोग को देखने को मिलता है। और गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य भगवान को समर्पित है और उनको सावित्री के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक काल में विभिन्न देवताओं की पूजा के पीछे अवधारणात्मक आधारों पर मूल्यांकन कीजिए। देखिए, क्वेश्चन भी हमने दे दिया आप लोग के लिए, मेंस के लिए, लिख लीजिए एक क्वेश्चन और इसका आंसर मुझे लिखकर जो है आप भेजेंगे, लिखकर आप भेजेंगे और ग्रुप में भेज दो, डिस्कशन ग्रुप में भेज दो, सब आपस में एक दूसरे के आंसर पढ़ो, चेक करो, कमेंट करो, तभी तो आएगा मजा, यही तो होती है ग्रुप स्टडीज। अब आते हैं हम लोग ऋग्वेदिक काल के समय पर। तो आपको ऑलरेडी याद हो चुका है कि ऋग्वेदिक काल का जो पीरियड है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व का पीरियड है ऋग्वेदिक का। अब साहित्यिक स्त्रोत्र, मतलब लिटरेचर, कहां से ये चीज पता लगी? तो वैदिक काल से संबंधित साहित्यिक स्त्रोतों में देशी और विदेशी दोनों प्रकार के स्त्रोत उपलब्ध हैं। देशी स्त्रोत में महत्वपूर्ण स्थान वैदिक साहित्य का है, जिसमें चार वेद, 8 ब्राह्मणास, 6 अरण्यकास तथा 13 उपनिषद प्रमुख हैं। तो ये याद रख लेना, ये नंबर्स याद रखना जरूरी है, 4, 8, 6, 13 चार वेद है, 8 ब्राह्मणास है, 6 अरण्यकास है और 13 उपनिषद है, और ये पूरी चीज पढ़ा चुका हूं, ये नंबर याद रख लेना। वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा जाता है, मंत्र एवं ब्राह्मणास। मंत्र का संबंध चारों वेदों की रचनाओं से है, जबकि ब्रह्मणास इसको बोलते हैं, बेसिकली ब्रह्मांड लिखा हुआ है ना, जो ब्रह्मणास इसको कहा जाता है, जिसका संबंध मंत्रों के ज्ञान से होता है। वह तीन भागों ब्रह्मणास, अरण्यकास और उपनिषद में विभाजित है। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत ध्यान समझो इस चीज को। एक किताब है जो वेद की है, वेद में क्या लिखा हुआ है? मंत्र लिखा है। वेद में क्या लिखे? मंत्र। और मंत्र की जानकारी कहां से मिलती है? ब्रह्मणास से, अरण्यकास से और उपनिषद से। तो मंत्र का संबंध चारों वेदों से है, चारों वेदों में सिर्फ मंत्र लिखे हैं। और मंत्र की डेफिनेशन, ये मंत्र जो है वो क्या है, इसका मीनिंग क्या है, वो लिखा है ब्रह्मणास में। मंत्रों का ज्ञान कहां लिखा है? ब्रह्मणास के अंदर लिखा है। और इसको तीन भागों में बांटा गया है, ब्रह्मणास, अरण्यकास और उपनिषद। क्लियर हुई बात है? वैदिक काल के चार वेद क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हैं, जिसमें से प्रथम तीन वेद को त्रयी में शामिल किया गया है। ये लिखने की जरूरत नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ऋग्वेद की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। यह विभिन्न देवताओं को समर्पित वेद है, जिसमें स्तुति परक मंत्रों का संग्रह है, यानी कि बहुत सारे मंत्र जो है वो इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि मंत्रों का कंपाइलेशन है। इसमें कुल 10 मंडल तथा 1017 या 1028 सूक्त है। इसका दूसरा एवं सातवां मंडल प्राचीनतम है, यानी कि सबसे पुराने जो है। इसके अंदर टोटल 10 मंडल है। पहली चीज तो हम लोग को ये देखने को मिल रही है, मतलब 10 किताबें आप बोल सकते हो, सिंपल शब्दों में समझने के लिए। कुल 10 मंडल है और ये फैक्ट ध्यान में रखना, 10 मंडल 1017 या 1028 स्तूप तक हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं। हिम, राइट, हिम्स जिसको हम लोग जो है वो बोलते हैं। और इसका दूसरा, यानी कि सेकेंड और सेवेंथ जो मंडल, दूसरा और सातवां मंडल है, वो सबसे पुराना है। याद रखना, दूसरा और सातवां मंडल सबसे पुराना है और पहला और दसवां सबसे नया है, जो बाद में जोड़ा गया था। ये फैक्ट प्रीलिम्स में अक्सर पूछा जाता है, जो आपको ध्यान में रखना है। बातें सभी के समझ में आ रही हैं तो ओके जो है वो लिख दो, बातें सभी के समझ में आ रही हैं तो ओके लिख दो कमेंट बॉक्स पर फटाक से कि ओके सर समझ में आ रही है। ऋग्वेद के तीन पाठ शाकाल, बालखिल्य तथा वाष्कल्य मिलते हैं। और शाकल में मंत्रों की संख्या 1070, बालखिल्य में 11 तथा वाष्कल में 56 है। ये लिखने की जरूरत नहीं है। इसकी भाषा शैली वैदिक संस्कृत जो हम लोग को देखने को मिलती है। तो वैदिक संस्कृत जो है, अब आपको पता है कि संस्कृत लैंग्वेज में वेद जो है वो लिखे हुए, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। नोट्स हम उसी चीज के बनाएंगे जो चीज हमें याद नहीं है। तो अभी तक आपको ये चीज याद हो चुकी है कि ऋग्वेद के अंदर संस्कृत भाषा का उपयोग किया गया था, तो आपको इसके नोट्स नहीं बनाने हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, ये फैक्ट ध्यान में रखना, ये अक्सर प्रीलिम्स में आ सकता है, स्टेट पीएससी में, यूपीएससी में, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है गायत्री मंत्र, नौवें मंडल में सोम, याद रखना है, नौवें मंडल में सोम है तथा दसवें मंडल में पुरुष स्तूक का उल्लेख हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। तो वो भी 10वां मंडल अभी नया है,
वो अभी आपको ध्यान में नहीं रखना, क्या चीज उसके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा। तो आपको बताना है नौवे मंडल के अंदर सोम और तीसरे मंडल के अंदर गायत्री मंत्र जो सूर्य भगवान को समर्पित है, सावित्री, ये चीज ध्यान में रखनी है, बिल्कुल याद कर लेनी है पढ़ते पढ़ते। हमारी मेमोरी हम लोग को इतनी स्ट्रांग करनी है कि हमें पढ़ाई करी, हमने लेक्चर देखा याद हो गया, बुक देखी थोड़ा सा पढ़ा याद हो गया। इस प्रकार से अपने आप को बनाओ, डेवलप करो। ये कब होगा? जब आप पूरे फोकस के साथ जो है वो चीजों को पढ़ोगे। जब फोकस के साथ चीजों को पढ़ते हैं तो ऐसा ही होता है। बात समझ में आ रही है? आगे की बात करते हैं। मैं ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा, प्लीज आप मुझे बताइए, मैं ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा? द स्पीड इज ओके ना? आई थिंक ये स्पीड जो है वो मेंटेन करना जरूरी है, बिकॉज आई टोल्ड यू कि जितनी तेज और जितने फोकस से आप पढ़ोगे वो बहुत जल्दी वो चीज आपके दिमाग में जो है वो जाएगी। और ये सब चीजें तो आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि आप दो बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तीसरी बार आपका रिवीजन है। नेक्स्ट, कम ऑन। दसवें मंडल में वर्णित पुरुष स्तूक से ही वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आरंभ हुआ। अब आप लिखेंगे दसवें मंडल में क्या है? वर्ण व्यवस्था है। अब ये सब पुरुष स्तूक ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, दसवें मंडल में वर्ण व्यवस्था है, ये चीज आप जो है वो ध्यान में रखेंगे, राइट? तो हमें क्या क्या चीज देखने को मिल गई कि दसवां मंडल सबसे नया, दसवें मंडल में वर्ण व्यवस्था, दो चीज। दूसरी चीज हम लोग को नौवे मंडल के अंदर क्या देखने को मिल रहा है? सोम। और हम लोग को तीसरे मंडल के अंदर क्या देखने को मिल रहा है? गायत्री मंत्र। और दूसरा और सातवां सबसे पुराना है, पहला और दसवां सबसे नया है। हो गया कि नहीं हो गया याद ये चीज? सोमदेव पर 144 स्तूकों की रचना जो है वो की गई है, यानी कि 144 हम लोग को बार जो है वो सोमदेव का वर्णन हम लोग को देखने को मिलता है। अतः इस मंडल का नाम को सोम मंडल के नाम से जाना जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा मंडल सोम मंडल है, बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर लिखकर बताओ कौन सा मंडल सोम मंडल है। तो नौवां मंडल, नाइन्थ मंडल सोम मंडल। अब देखो आर्यों का मूल निवास कहां था? तो देखो ये बोलते हैं ये लोग कि आर्यों का मूल निवास जर्मनी हो सकता है, जिसको जो है वो पेंका हर्ट के नाम से जाना जाता था, हंगरी। और जब पेंका या हर्ट ने जो है उसके बारे में बताया तो हंगरी जो कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है, डेन्यूब, फिर बाल्टिक रीजन, पामीर, तिब्बत, दक्षिण रूस। तो ये चीज आपको थोड़ी सी बस एक बार जो है पढ़ने वाली कि इस क्षेत्र के थे। अब मैं उसको आपको कंक्लूजन बता दूं, तो आप मेंस का अगर क्वेश्चन आता है तो मेंस के आंसर में आप लिख सकते हो कि ये सेंट्रल एशिया के थे, राइट? मध्य एशिया के ही हम लोग को देखने को मिलते थे आर्यंस, और इसके काफी सारे सबूत हम लोग को ऑलरेडी मिल चुके हैं जो हम पढ़ चुके हैं। तो अलग अलग लोगों ने इनके बारे में अलग अलग बातें जो है वो कही है, तो वो इसके नोट्स बनाने की जो है आवश्यकता नहीं, सिंपल सी चीज ध्यान में रखो, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया। नेक्स्ट, भारत में आर्यों का आगमन। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईस्वी पूर्व से, और आपको पता है 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व का पीरियड ऋग्वेद का है, याद करो। तो भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ। आरंभिक आर्यों का निवास पूर्वी अफगानिस्तान और पंजाब में तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती भूभागों में था। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कुभा आदि कुछ नदियों का तथा सिंधु एवं उसकी पांच सहायक नदियों का नामोल्लेख है, और इसमें अनुमान लगाया जाता है कि भारत में आर्य लोग जहां प्रथमतः अपना निवास बनाए वह संपूर्ण प्रदेश सप्त सैंधव अर्थात सात नदियों के देश से जाना जाता है। अब देखो यू नो इट वेरी वेल रिगार्डिंग द थिंग्स, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स, यू नो वेरी वेल कि भाई जब आर्य जब एंटर हुए थे तो वो कहां से एंटर हुए थे? नॉर्थ वेस्ट के क्षेत्र से, जो आज की डेट में अफगानिस्तान पाकिस्तान है ना, वहां से एंटर हुए थे। क्यों वहां से एंटर हुए थे? अरे भैया इंडिया के दोनों तरफ समुद्र है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, नीचे ओशियन महासागर है, इंडियन ओशियन। अगर आप ईस्ट की तरफ जाके देखोगे तो हिमालय है, नॉर्थ की तरफ हिमालय है, हिमालय क्रॉस करना डिफिकल्ट है। एक ही रास्ता बचता है इंडिया के अंदर आने का, वो है नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान अफगानिस्तान का एरिया, और वहीं पर ही इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता भी वहीं पर थी, इंडस नदी के नजदीक। तो ये यहां पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही वो अंदर एंटर हुए तो वो पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक का पूरा एरिया इनके अंडर था। और इवन नीचे साउथ की तरफ हम जाएंगे तो साउथ की तरफ आप देखोगे कि जो ये हम लोग को देखने को मिलती है ना विंध्या घाटी, मध्य प्रदेश में विंध्या घाटी, तो उसके ऊपर वाले एरिया तक ये पूरा फैले हुए थे। कौन? आर्यंस। तो ये चीज ध्यान में रखना। क्लियर? बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है टॉपिक? आगे की बात करें हम लोग। अब विस्तार और संघर्ष, क्या स्ट्रगल था इनका? अब देखो कॉमन सी चीज है, कोई बाहरी व्यक्ति जब अंदर आएगा, एंटर होगा किसी दूसरी जगह पर, तो उसके लिए सबसे बड़ा संघर्ष क्या है कि वहां पर ऑलरेडी लोग मौजूद है और उनसे उनकी होगी लड़ाई, उनसे उनकी फाइट होगी, तो ये संघर्ष हो गया। पढ़ने की जरूरत नहीं, आप दिमाग लगाओगे, लॉजिक लगाओगे, आपको क्लियर होगी चीजें। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। प्रारंभिक आर्यों को सप्त सैंधव प्रदेश पर आधिपत्य के लिए संघर्ष करना पड़ा। बाहर से लोग आए थे भाई, रहना है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा, स्ट्रगल तो जरूरी है। आर्यों के शत्रु दास एवं दासियु थे, तो ये चीज ध्यान में रखना। दास और दासियु वो लोग थे जो यहाँ के मूल निवासी थे, दास या दासियु,
संभवतः इन्हें ही अनार्य कहा जाता था। अनार्य मतलब जो आर्य नहीं है, अनार्य, ठीक है, इन्हें अनार्य कहा जाता था, जो आर्य नहीं है, नॉन आर्यंस जिसको हमने पढ़ा है। अनार्य के लिए ऋग्वेद में विशिष्ट शब्द प्रयुक्त हुए हैं, जैसे कि अनार्य जातियां, ये अकर्मण, जैसे हम लोग को जाति देखने को मिलती है, वैदिक क्रिया नहीं करने वाले लोग अकर्मण हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये थोड़ी सी चीज बस ध्यान में रखना। और फिर अदेवयु, वैदिक देवों को नहीं मानने वाला, अज्वन, यज्ञ ना करने वाला, मृदवाक, अपरिचित भाषा बोलने वाले, अव्रत, व्रतों से रहित, दस्यु, लिंग पूजक, कृष्णवर्ण, दास एवं दास्यु, और कृष्ण त्वच, दास एवं दास्यु। तो अब देखो सिंपल सी चीज, इन लोग के अलग अलग नाम जो है वो दे दिए गए जाति के आधार पर, कि ये लोग हैं जो आर्य रिलीजन को नहीं मान रहे। आर्य यहां पर आए थे तो वो रिचुअल्स प्रैक्टिसेस लेकर आए कि भाई किस प्रकार से परंपरा करनी है, किस प्रकार से जो है वो यज्ञ करना है, तो वो सब चीजें जो है आर्यों ने आकर बताई, और जो चीज ये सब फॉलो नहीं कर रहा था उनको बोल दिया नॉन आर्यंस कि तुम नॉन आर्यंस। बट हमने एक चीज और डिटेल में पढ़ी है जो उसमें नहीं लिखी है, यही मैं कहता हूं आपको, आप अलग अलग सोर्सेस से इन्फॉर्मेशन अगर गैदर कर लोगे ना तो आपके पास एक भंडार आ जाएगा इन्फॉर्मेशन का, तो उसके बाद फिर आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, जैसा भी क्वेश्चन आएगा उसको आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि इतनी जानकारी आपके पास जो है वो आ चुकी होगी और आ चुकी है, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया, इसलिए मैं बोलता हूँ कि टॉपिक्स पढ़ो पढ़ो तो पूरा कंप्लीट पढ़ो। और यही खासियत है अपने कोर्स की कि हम हर जगह से, आप देखो इसके अंदर कुछ और चीज लिखी है बट हमने क्या पढ़ा है, आर्यस जो थे वो कलर के आधार पर, काला और गोरा, आर्यंस जो थे वो गोरे थे, यहाँ के मूल निवासी रंग में काले थे, तो या मतलब उनका कलर जो था वो डार्क था, कलर कॉम्प्लिकेशन वो बोलते हैं ना, पर इसको जो कलर जो कॉम्प्लेक्स जो हम लोग को देखने को मिलता है वो यहां पर नजर आया, तो उससे डिफ्रेंसिएशन हुआ, रेस जिसको कलर रंग भेद ये हमें देखने को मिला। तो हमें क्लियर हो गई ये चीज पहले से कि आर्यस जो थे वो रंग के आधार पर भेदभाव करते थे, और जो गोरे थे वो आर्यंस, और जिनका कलर डार्क था वो दासु। क्लियर, यहां तक बातें समझ में आ रही है सभी के? किसी को कोई डाउट तो पूछ सकता है, यहां पे क्लियर है? क्लियर है तो थम्स अप दे दो, कम ऑन, क्लियर है तो थम्स अप दे दो, यहां तक क्लियर हो रही है बातें? आशीष हमारे साथ नए जुड़े हैं, आशीष बेटा आप समझ में आ रहा है पूरी चीजें? शिवम पायल पहले से हैं, इनको इन्हें ऑलरेडी जो है वो वैदिक काल के बारे में पढ़ा होगा तब और मजा आ रहा होगा कि अरे वाह यार क्या लिंक क्रिएट हो रही है। इसलिए बोलता हूं बेटा इंग्लिश हिंदी मीडियम को दिमाग में मत रखो, दिमाग में रख रखो जानकारी को और उस हिसाब से अपने नोट्स बनाओ। इसलिए हम अलग अलग सोर्सेज से पढ़ाते हैं, सभी सोर्सेज से, क्योंकि इंग्लिश भी आपको पढ़नी है, हिंदी भी आपको पढ़नी है, और स्टार्टिंग में तो ब्रीफ नोट्स मैंने दे ही दिए थे आपको। क्लियर हो रहा है? अब मजा आ रहा है? वही चीज, तो पहले कंटिन्यूटी बनाओ, उसके बाद फिर लगेगा कि अरे हाँ यार कहाँ आए हो, मतलब यू विल गोइंग टू थैंक मी। जैसे ये पूरे टॉपिक, जैसे आज ये वैदिक का टॉपिक हमने फिनिश किया तो उसको एनालाइज करो कि अरे हाँ यार ये तो पढ़ा था और ये तो याद आ रहा है और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गई तो लिख ली हमने, ये करना है। आगे आते हैं, ऋग्वेद में आर्यो एवं अनार्यो के बीच अनेक युद्धों का उल्लेख मिलता है, बहुत सारे युद्ध, याद आ रहा है ये? किसी को याद आ रहा है ये दशाराग्य युद्ध हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है? एक मिनट रुको, याद नहीं आ रहा तो मैं याद दिलवा देता हूं आज, याद नहीं आ रहा तो मैं याद दिलवा देता हूं, बट वो फाइल मैंने डिलीट कर दी है। टेलीग्राम के ग्रुप में जाओ और टेलीग्राम के ग्रुप में जाकर हैशटैग झासर माइंड मैप्स पे क्लिक कर दो, अभी जो लेटेस्ट बुद्धिज्म का भी डाला है ना तो उसमें हैशटैग माइंड मैप्स पे जाकर आप क्लिक कर दो तो आपको जो है वो एक और हैशटैग जो है वो मिल जाएगा, हैशटैग माइंड मैप्स, हैशटैग माइंड मैप्स। हाँ, अब देखो वैदिक वैदिक पॉलिटिकल और सोशल के अंदर आप देखना, चलो मैं आपको यहां पर स्क्रीन पर दिखाता हूं तो और मजा आएगा। हमने इस युद्ध के बारे में, दस राजन युद्ध हमने बोला था, इसको याद आ रहा होगा तो इसमें लिखा है दस राज्य युद्ध, बट दस राजन भी इसको बोलते हैं, वो युद्ध के बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी मिल गई है। रुकिए हम आपको बता देते हैं कहां गया भाई, झा सर के पास आए हो तो मजा आ जाएगा। सर नोट्स कैसे बनाऊं समझ नहीं आ रहा, अभी तो पहली क्लास है आज की आपकी आशीष जी, थोड़ा सब्र तो रखो सब समझ में आएगा। नोट्स ऐसे बनाने जैसे ये बना के दे रहा हूं मैं, बस आपको उसको अपने हिसाब से अपनी कॉपी में बनाना है, इसको सेव वेव करके कोई ना रखे, वो सिर्फ आपकी जानकारी। देखो ये दस राजन युद्ध, ये पहली हम जो है वो कवर अप कर चुके हैं, दोनों के बीच में लड़ाई होती है और जीतते कौन है, आर्यन जो है वो जीतते, लड़ाई कहां पर होती है, परुषनी नदी के नजदीक में लड़ाई जो है वो होती है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। देखो ये पूरी चीज जो है वो हमने डिस्कस करी थी, देखो ये ट्राइब दस राजन युद्ध,
और भारतास भारत जो ट्राइब थी, भारत जो जाति थी, वो सबसे शक्तिशाली हम लोग को देखने को मिली थी और वो ही आर्यंस लोग थे। ऐसे इस तरीके से तैयारी करोगे तो आय हाय मजा आ जाएगा तैयारी करके, एक एक चीज दिमाग में बैठ जाएगी। दश राज्य युद्ध, अब इसके बारे में बात करते हैं। ये युद्ध भारत कबीले के राजा सुदास और 10 कबीलों के एक महासंघ के बीच प्रभुत्व के लिए लड़ा गया था। किसके लिए लड़ा गया था? प्रभुत्व के लिए, कि मैं बड़ा हूं, मैं ताकतवर हूं, हम लोग हैं ताकतवर। यह युद्ध भारत कुल के राजा सुदास के द्वारा अपने पुरोहित ऋषि विश्वामित्र को हटाकर उनके स्थान पर ऋषि वशिष्ठ को नियुक्त करने के कारण हुआ। अब हम लोग को इंग्लिश में ये चीज नहीं मिली थी, अब हम लोग को मिल गई हिंदी में ये चीज। तो आपको ये चीज पता लग गई कि युद्ध के का बैकग्राउंड क्या था। एक बैकग्राउंड तो आपको पता है कि भाई आर्यंस को यहां पर अपना अधिपत्य जमाना था, अपना अपनी पावर एस्टैब्लिश कर रही थी। दूसरी चीज जो है वो आपको क्या मिल गई कि ये युद्ध जो है वो क्यों हुआ, क्योंकि इस युद्ध में भरत कुल के राजा सुदास के द्वारा, यानी कि भरत कुल के जो राजा सुदास जो थे, इनके द्वारा अपने पुरोहित ऋषि विश्वामित्र को हटाकर, मतलब ये राजा जो सुदास जो थे ये चाह रहे थे कि ऋषि विश्वामित्र जो है वो उनको हटाया जाए और उनके स्थान पर ऋषि वशिष्ठ को नियुक्त जो है वो किया जाए। और इसके कारण ये युद्ध हुआ और इस युद्ध का एक कारण रावी नदी के जल के बंटवारे का प्रश्न भी था। तो अलग अलग कारण है, आपको तीन चार कारण मिल गए। एक कारण तो ऑब्वियसली बात है आधिपत्य जमाना, वो मेन कारण। उसके अलावा आपके पास ये चीज भी आ गई, ये इन्फॉर्मेशन भी आ गई कि नहीं भाई विश्वामित्र ऋषि थे, उनको हटाने को लेकर ये युद्ध था कि उनको हटाओ और दूसरे वशिष्ठ ऋषि को रहे वो गद्दी पर रहे बिठाओ। तो ये युद्ध था और इसके कारण भी स्पार्क हुआ। फिर दूसरा ये होगा कि भाई रावी नदी जो है उसका बंटवारा करना है, उसके लिए युद्ध हो गया। इस युद्ध में आर्यों के पंच जन पुरु, अब देखो पुरु अनु द्रु यदु एवं तुवर्स ने 5 अनार्य जनों अलिन पक्थ भलनस शिव एवं विष्णिन के साथ मिलकर भरत कुल की श्रेष्ठता को चुनौती दी। तो इसमें आर्यंस लोगों ने नॉन आर्यंस को भी जो है वो इन्वॉल्व किया। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि इन पर्टिकुलर नॉन आर्यंस के नाम जो है वो बताइए जो आर्यंस के साथ जुड़े थे, तो आपको ये नाम थोड़े से ध्यान में रखना है। इन जातियों के अनार्य के नाम थोड़ा ध्यान में रखना। कुछ कभी कभी स्टेटमेंट ये बन सकता है कि जो ये बैटल जो हुआ था, ये युद्ध जो हुआ था, इस युद्ध में क्या आर्यंस ने नॉन आर्यंस को भी अपनी तरफ शामिल किया था? हाँ बिल्कुल किया था। क्लियर हुआ ये स्टेटमेंट? समझ में आ रही है बात? दिमाग में घुस रही है? यह युद्ध पुरुषिणी नदी, अब देखो आपने अभी अभी मैंने लिखवाया पुरुषिणी नदी के किनारे लड़ा गया था, तो ये चीज हमारे ऑलरेडी नोट्स में लिखी हुई है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, जिसमें भरत कुल के राजा सुदास ने अपने प्रतिद्वंदियों को पराजित कर भरत कुल की श्रेष्ठता स्थापित कर दी। तो मतलब भरत ट्राइब जो है, हम लोग को अभी लिखवाया था ना मैंने, भरत नोट्स में देखना ऑलरेडी पढ़ चुके हो, भरत जो है वो ट्राइब, ये हमने लिखी थी, तो इसकी श्रेष्ठता हो गई और ये आर्यंस थे। भरत कुल के राजा सुदास को यमुना नदी के किनारे भी एक युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध में अजस सिग्रु तथा यक्षु जन के लोगों ने राजा भेद के नेतृत्व में भरत कुल के राजा सुदास को चुनौती दी, परंतु राजा सुदास ने उन्हें भी पराजित कर दिया। मतलब अब ये दो दो युद्ध इन्होंने लड़े थे, एक युद्ध जो लड़ा गया था वो रावी नदी के नजदीक, पुरुषनी नदी, रावी नदी की सहायक नदी, और दूसरा युद्ध जो हम लोग को देखने को मिला वो यमुना नदी के लिए भी लड़ा गया था, यमुना नदी के किनारे लड़ा गया था। तो आपके पास एक पॉइंट और मिल गया, यमुना नदी के किनारे भी इन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। अब ऋग्वेदिक आर्यों की भौगोलिक जानकारी, अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि कहां कहां पर थे, कितनी जगह पर ये फैले हुए थे, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बताया। तो आर्य सर्वप्रथम सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बसे। कहां पर आकर बसे? सप्त सैंधव, ये कई बार हम पढ़ चुके हैं। इस प्रदेश में 7 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है, कुछ अफगानिस्तान की नदियां का विवरण भी ऋग्वेद में दिया गया है, और इन नदियों में प्रमुख निम्नलिखित नदियां हैं। तो ये नदियों के नाम बेटा याद रखना है और इनके आधुनिक नाम भी जो है वो आपको ध्यान में रखना है, यानी कि अभी के नाम, जैसे कि अभी के नाम हमको देखिए, झेलम, सिंध, रावी, चेनाब, सतलज, घगर, गोमल, गंडक, राइट, स्वात, ब्यास, ब्यास नदी, राइट। तो ये सब चीज, ब्यास जिसको हम लोग बोलते हैं BES, तो ये सब नदियों के नाम बेटा याद रखना है। ये चीज एग्जामिनेशन में जो है आपसे चूज द करेक्ट पेयर मैच द फॉलोइंग से जो है वो पूछी जा सकती है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर समझ में आ रहा है, मैडम समझ में आ रहा है, आप लोगों को बताइए बताइए समझ में आ रहा है तो ओके लिख दीजिए, समझ में आ रहा है, चीजें दिमाग में बैठ रही हैं तो ओके लिख दीजिए। छोटी सी चीज बताऊंगा,
आशीष के लिए कि आशीष नोट जो है वो शॉर्ट बनाने, शॉर्ट, जैसे मैं अंडरलाइन जो चीज कर रहा हूँ ना सिर्फ वो चीज लिख लेनी है अपने पास, और उस चीज को लिख लोगे जैसे ऋग्वेद ऊपर लिखो उसके नीचे ये पूरे पॉइंट्स लिख दो, और एरो बना बना के, गोला बना के, मैंने कल की काउंसलिंग में समझाया तो था, समझी नहीं आप ढंग से शायद, माइंड मैप्स बनाने, माइंड मैप्स, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट और प्रैक्टिस मेक्स द वुमन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्शन जो है वो आ ही जाएगा। क्लियर, मजा आ रहा है? नेक्स्ट, गंगा का विवरण ऋग्वेद में एक बार मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, गंगा का विवरण ऋग्वेद में कितनी बार मिला? एक बार मिला, जबकि यमुना का तीन बार मिल रहा है, सरयू का भी उल्लेख है, या इस तरह कुल मिलाकर ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है, तो ऋग्वेद में कितनी नदियों के बारे में मेंशन है? 25 नदियां। ऋग्वेद में तीन पर्वत श्रृंखला यानी कि माउंटेन रेंजेस, तीन पर्वत श्रृंखला का उल्लेख मिलता है, जैसे हिमवंत, मुजवंत और शीलवंत, लिख लेना, नोट्स बना लेना। ऋग्वेद में उल्लिखित समुद्र शब्द मुख्यतः जल राशि का वाचक है, ऋग्वेद में मरुस्थल का उल्लेख नहीं मिलता। अब पॉइंट टू भी नोटेड, एक बार मिला है मरु, जिसका नाम है रेगिस्तान मरु, ये अपना ऑलरेडी आपके नोट्स में अवेलेबल है, इसलिए बोलता हूं हर सोर्सेस से पढ़ लो, जितना मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ उतना पढ़ लोगे गेम फिनिश आपका, मजा आ जाएगा। और जिन स्टूडेंट्स के पास ये बुक है प्रिंटेड, आपको अपने साथ बुक रखनी है, लेक्चर देखना, जो भी चीज मैं अंडरलाइन करा रहा हूं अभी अंडरलाइन कर लो बुक में, और फिर उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप उससे अपने नोट्स बना लो। तो बुक अपने पास जरूर रखना, बुक रखोगे तो आपको जो है वो काफी हेल्प जो है वो मिल जाएगी, क्योंकि लेक्चर के दौरान छोटे छोटे नोट्स आप बना लोगे, और इंग्लिश में तो मैं आपको खुद माइंड मैप्स है वो प्रिपेयर करके देता हूं, तो आपके लिए इजी हो जाता है समझना, बट सिर्फ माइंड मैप्स से काम नहीं चलेगा, उसके बाद आपको थोड़ा सा खुद से भी रीड करना पड़ेगा, क्योंकि रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऋग्वेद में उल्लेखित समुद्र शब्द मुख्यतः जल राशि का वाचक है, तो समुद्र के बारे में भी मेंशन है भाई, इनको पता था यानी। अब देखो इसमें शब्द लिखे हुए, दैट मींस कि वो लोग इन सब चीजों के बारे में जानते थे, क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा कि क्या आर्यंस लोगों को मरुस्थल के बारे में जानकारी थी, मतलब कि रेगिस्तान के बारे में जानकारी थी, थी, क्योंकि एक जगह पर मरु शब्द आया, एक क्षेत्र का शब्द मरु था, और वो मरुस्थल से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि रेगिस्तान से रिलेटेड। अब यहां तक हमने देख लिया कि किस किस क्षेत्र में ये लोग थे, कहां कहां पर थे, कैसे थे, ये आए थे, लड़ाई हुई इनकी, किस पर्पस के लिए लड़ाई हुई, ये सब हमने समझ लिया। देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज हमने जान ली थोड़े से टाइम में। अब देखिए राजनीतिक जीवन, ऋग्वेदिक काल के राजा को गोप, गोपता, गोपत आदि नामों से वो जाना जाता है। अच्छा, ये गोप, गोपता, गोपत क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय पर, कौन बताएगा मुझे, उस समय पर गाय की इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। ये चीज हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी क्लियर है, उस समय गाय को जो है वो महत्व दिया गया था, और गाय को महत्व दिया इसलिए ये सब शब्दों का उपयोग है। इस काल में राजा चयनित होता था, राजा को चूज किया जाता था, ये भी आपको पता है, जो भी लीडर है, मतलब कि जो उस पर्टिकुलर ट्राइब का, उस ग्रुप का जो शक्तिशाली व्यक्ति है वो राजा बन जाता था, क्योंकि वो दूसरों से लड़ता था, उसके पास स्किल्स थी अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने की, अपने लोगों को बचाने की, राइट, बातें समझ में आ रही है। जिसका कार्यकाल पूर्व निर्धारित नहीं होता था, यानी कि ये नहीं पता होता था कि भाई कितने समय तक वो रहेगा, ऑब्वियसली बात है वो हार गया, कमजोर हो गया तो दूसरा राजा आएगा। राजा का मुख्य कार्य क्या है? युद्ध में कबीलों का नेतृत्व करना, कबीलों को पशुधन की रक्षा करना, तथा कबीले की ओर से धार्मिक क्रिया कल्पों का संपादन करना, राजा के निर्वाचन तथा उसके कार्यकाल पर समिति का नियंत्रण करना। देखिए ये सब चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके नोट्स नहीं बनाने, जिस चीज को नहीं पढ़ा है उसके नोट्स बनाए हैं। इस चरण की राजनीतिक व्यवस्था सीमित लोकतांत्रिक तत्वों के साथ अभिजात तंत्रीय वंशानुगत राजतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित थी। तो काफी सारी हम लोग को जैसे डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, सेमी डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, एरिस्टोक्रेसी, अलग अलग प्रकार की चीजें अलग अलग कबीलों में पाई जाती थी, राजनीतिक संस्थाएं, बट मेन इन सब में एक चीज कॉमन थी कि जो वो है शक्तिशाली है वो बनेगा, वो बेसिकली राजा बनेगा। अब राजनीतिक संस्थाओं के बारे में बात करें, सभा समिति, विदत और गण। अब देखो सभा समिति तो पढ़ ली, विदत और गण नहीं पढ़ा था, और यहां पर आ गया विदत और गण, है ना, चार चार राजनीतिक संस्थाएं यानी कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस चार थे, एक सभा, एक समिति, एक विदत और एक गण। आपको याद हो इंग्लिश सिर्फ सभा समिति के बारे में मेंशन था क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, बट विदत और गण के बारे में नहीं था। देखो इसमें आ गया है,
और इसके बारे में डिटेल में हम यहां पर पढ़ेंगे। तो देखो ये फायदा होता है प्रॉपर पढ़ाई करने का। सर मैं स्टडी चैप्टर के बीच से कर रहा हूं ना सर, आज तो मेरी फर्स्ट क्लास है, समझ नहीं आ रहा है, और सर कैसे क्या करें? आपको आशीष सिर्फ अभी की क्लास पर फोकस करना है, जो चीज बता रहा हूं सिर्फ वो सुनो और समझने की कोशिश करो कि ये क्या चीज है। डोंट वरी अबाउट इट, अभी आपके पास अच्छा टाइम है, मैंने आपकी काउंसलिंग करी है, आपको सिर्फ अभी चीजों को दिमाग में रखना है, समझने की कोशिश करना है कि भाई ये आर्यंस लोग आए इंडिया के अंदर, हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, आर्यंस इंडिया के अंदर आए, उनने कैसे जीता, कैसे जो है वो कब्जा किया इतने बड़े क्षेत्र पर, ये अब फिर आप कर रहे हो तैयारी किसकी, एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हो, प्रशासन कैसे चलता था वो समझना है, आएगा धीरे धीरे, डोंट वरी आएगा। बट जो चीज मैं अभी क्लास में बता रहा हूँ वो तो आ रहा है ना समझ में, ऐसे तो नहीं कि वो समझ में ना आ रहा हो, वो थोड़ा बहुत तो आ रहा है ना समझ में, आने दो, आएगा धीरे धीरे। राजनीतिक इकाइयां, अब देखो कौन सी राजनीतिक इकाइयां थी, यूनिट्स, पॉलिटिकल यूनिट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ग्रह, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र, प्रमुख। राष्ट्र शब्द का ऋग्वेद में 10 बार उल्लेख किया गया है। अब देखो बहुत ध्यान समझना, गृह मतलब एक घर, ग्राम मतलब बहुत सारे घर, गांव हो गया, विश मतलब प्रोविंस, एक और बड़ा ब्लॉक, ब्लॉक विश मतलब ब्लॉक मान लो, एक ब्लॉक, जन मतलब स्टेट, और राष्ट्र मतलब पूरी कंट्री। तो मतलब कि जब आर्यन जब थे यहां पर तो वो प्रशासन करना जानते थे, उनको पता था कैसे प्रशासन करना है, इसलिए उन्होंने छोटी छोटी यूनिट्स इकाइयां जो है वो इस प्रकार से बना दी। क्लियर हो रहा है? अब हम बात करेंगे विदत्त के बारे में। विदत्त यह सबसे प्राचीनतम संस्था थी, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो सबसे पुराना था, इससे सभा और समिति का विकास हुआ। अब देखो सभा और समिति कहां से आती है, विदत्त से आती है, जो कि आपके उसमें नहीं लिखा था इंग्लिश वाले में। ऋग्वेद में 122 बार इसका उल्लेख हुआ, ये लिखने की जरूरत नहीं है। यह बुजुर्गों की संस्था थी, जो ओल्ड पर्सन थे ना उनकी संस्था थी, जिसमें महिलाओं की सर्वाधिक भूमिका थी। इसी संस्था में युद्ध में लूटे गए वस्तुओं का बंटवारा होता था, ये लिख लेना, इस संस्था के अंदर युद्ध में लूटे गए उसका बंटवारा होता था वस्तुओं का। अब आती है सभा हमारी, ऋग्वेद में इनका 8 बार उल्लेख है, इसके सदस्य पुरुष और महिला दोनों थे, यानी कि महिलाओं को भी इंपॉर्टेंस दी जा रही है अभी तक, और संयुक्त रूप से सभे तथा इसके अध्यक्ष को सभापति कहा जाता था, सभापति महिला सदस्यों को कहा जाता था। देखो सभापति और सभापति, सभापति जो है वो पुरुष सदस्य है और सभापति मतलब महिला सदस्य, हम लोग को मतलब अध्यक्ष जो है वो सभापति है, चेयरमैन सभापति है, और जो महिला सदस्य है वो सभापति है। और अथर्ववेद में सभा को निरस्त जो है वो कर दिया गया, निरस्त कर दिया मतलब हटा दिया गया, अथर्ववेद में ये सभा जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है कि हट जो है वो गई, नरिष्ठा, अच्छा सॉरी हटी थी अथर्ववेद में नहीं, ये समिति हटी थी, सॉरी सभा नहीं समिति हटी थी लास्ट में अथर्ववेद के समय पर, बट सभा जो थी वो जिंदा थी, और अथर्ववेद में सभा को जो है वो नरिष्ठा जो है वो कहा गया था, सॉरी नरिष्ठा कहा गया था, मुझे निरस्त जो है वो देख रहा था क्योंकि मेरे दिमाग में वो चीज चल रहा था कि समिति का, ये समिति एंड में जाकर खत्म हो जाती है, सिर्फ बच जाती है सभा। ठीक है, तो ये चीज यहां पर ये वाली चीज क्लियर हुई कि एक यूनिट थी सभा और इसमें पुरुष महिला दोनों थे, अध्यक्ष सभापति कहलाता था, जितनी भी महिला सदस्य हैं उनको सभापति कहते थे, और अथर्ववेद में सभा को जो है वो नरिष्ठा कहा गया और समिति हटा दी गई, वो भी आएगा जो आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो। अब समिति के बारे में बात करें तो जन के सभी वयस्क पुरुष यानी कि एडल्ट मेल और फीमेल इसके सदस्य थे, तो ये वाली चीज लिख लेना, एडल्ट पुरुष जो थे और महिला जो थी वो सदस्य थे। इसके अध्यक्ष को ईर्षान कहते थे और समिति द्वारा ही राजा को नियुक्त किया, यानी कि इस समिति के द्वारा राजा को नियुक्त किया जाता था या उसको हटाया जाता था, तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखना कि ये वाली समिति इसमें, इसमें भी जो हालांकि हमने इंग्लिश में पढ़ा था कि समिति के अंदर ओल्ड जो बूढ़े लोग थे वो हुआ करते थे मेनली, राइट, और वो भी सही है, बूढ़े लोग इसके अंदर हुआ करते थे और राजा को चूज करने का काम समिति का हुआ करता था। और ऋग्वेदिक काल में शासन के संचालन के लिए कुछ अधिकारियों को भी व्यवस्था करी, मतलब उसके अंदर हम लोग कुछ अधिकारी देखने को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्कर चार्ट है, ये चीज एग्जामिनेशन में आएगी। पुरोहित राजा के बाद महत्वपूर्ण अधिकारी को पुरोहित कहते हैं, सेनानी मतलब जो सैन्य व्यवस्था का संचालक है, ग्रामणी मतलब की जो लड़ाकू टोली का प्रधान है, और ब्राजपति यानी कि जो चारगाह भूमि की रक्षा करता है, और फिर एक ग्राम्य वादिन राजाज्ञा
का प्रचारक अधिकारी यानी कि जो प्रचार करता है इस, जो भी किंग के ऑर्डर्स है उसके बारे में बताता है, इसे न्यायवादिन भी कहा जाता था। क्लियर? तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है जो हमने पढ़ी। इसके अलावा और भी कुछ अधिकारी के नाम है, और भी अधिकारी के नाम में हम लोग को उपस्थिति जो गोप्ता की आवश्यकताओं का ख्याल रखने वाला अधिकारी, इसे इभ्य भी कहते थे। और एक स्पर्श जो दूत हुआ करता था, दूसरी जगह पर जाकर जो है वो बताता था, मैसेज देता था दूसरे राजाओं को, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाता था, डिप्लोमेट था ये। फिर इसके अलावा पूरब दुर्ग का अधिकारी, फोर्ट का अधिकारी, किले का अधिकारी, और उग्र अपराधियों को पकड़ने वाला यानी कि पुलिस वाला था ये। तो इस प्रकार की व्यवस्था हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली, राइट। फिर इसके अलावा सैन्य प्रणाली के बारे में बात करें तो राजस्व के अभाव में नियमित सेना का प्रावधान नहीं था, यानी कि रेगुलर आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, अपने नोट्स बना चुके हैं। आवश्यकता की स्थिति में अवैतनिक अस्थायी सैन्य दस्ते के रूप में नागरिक सेना का गठन किया जाता था, जिसे व्रात, गण, ग्राम तथा सर्द कहते थे। अब देखो, आपको ऑलरेडी पता है कि मिलिट्री इंस्टीट्यूशन कैसा था, रेगुलर आर्मी नहीं थी, आम लोग थे जो पावरफुल थे, उनको वक्त वक्त पर बुला लिया जाता था, राइट, कि आप आओ आर्मी के तौर पर काम करो, और उस चीज को ग्राम कहते थे। कुछ याद आ रहा है, हमने डिस्कस किया था ग्राम, ये देखो यहां पर भी लिखा हुआ है, ग्राम मतलब गांव नहीं था, वो आर्मी थी, आर्मी का ग्रुप, राइट। तो ये चीज हमने जो है वो अभी पढ़ी, तो आज बस हम यहां तक जो है वो कवर कर रहे हैं, कल हम इसके आगे के टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। आज आपका काम होगा कि ये जो पूरे नोट्स जो अभी मैंने आपके रेडी करवाए थोड़े बहुत, राइट, तो इसको अपने पास जो है वो लिख लो अपनी किताब के अंदर, और फिर आपको करना क्या है, दूसरी चीज कि तुरंत आपको जो है पुरानी चीजों, पुराने जितने भी नोट्स हमने तीन बार जो है वो वैदिक काल को पढ़ा है, मतलब ये तीसरी बार आधा हो गया, तो पुराने से जो है वो रिलेट करके एक जगह पर पूरे नोट्स कंसोलिडेट कर दो, तब आएगा मजा प्रिपरेशन का, राइट। अब इसमें आपको देखो कितनी सारी चीजें याद हुई। अब मुझे जेन्युइनली बताओ, आशीष जी की तो आज पहली क्लास थी, आशीष आज आपने दो क्लासेस करी जनरल स्टडीज की, एक इंग्लिश में देख लिया हमारा बुद्धिज्म वाला टॉपिक, जिसको हमने बिल्कुल पिक्चर के फॉर्म में समझाया, दिखाया, स्टोरी की तरह पढ़ा दिया, और दूसरा अब आपने जो है वो ये थ्योरी के फॉर्म में पूरी चीज देखी, तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी आपका रिदम बनेगा मेरे ख्याल से, अगले चैप्टर से जो है वो आपका रिदम बनना जो है वो शुरू हो जाएगा। अभी आपने बुद्धिज्म करना शुरू किया ना, थोड़ी बहुत चीजें बुद्धिज्म की समझी, अब जैसे ही इसमें बुद्धिज्म आएगा तो आप बोलोगे अरे हाँ यार पूरी चीज तो याद है मुझे। और बाकी शिवम और पायल आप बताओ कि तीसरी बार पढ़ने में आ रहा है मजा, याद, मतलब ऐसा लग रहा है कि अरे यार ये तो याद है, ये चीज तो हम कर चुके हैं। सो दिस इज अवर स्टाइल, बस जुड़े रहो, मजा आता रहेगा, फैंटास्टिक। चलो, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद। अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, और ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करिए, और भी ज्यादा लोगों को हमारे मेन कोर्स से जो है वो जोड़िए, क्योंकि मेन कोर्स का मजा ही अलग है। सर ये किस ईयर में एग्जाम दे गए? एग्जाम अभी किसी ने नहीं दिया, अभी देंगे, पढ़ाई चल रही है, तैयारी चल रही है, प्रिपेयर हो जाओगे, वन ईयर, जस्ट एक साल की कड़ी मेहनत, गेम आपका। चलो अब अपने नोट्स बनाओ बढ़िया से, और रात में जो है आपका एक टेस्ट है, उस टेस्ट की जो है वो तैयारी करो। आज रात में जो है वो मैंने कौन सा टेस्ट दिया आपको, एनसीईआरटी का 11th क्लास की पॉलिटी का टेस्ट है ना आज आपका, 11th क्लास की पॉलिटी में कौन सा चैप्टर दिया है मैंने, डीपीएसपी दिया, और मेरे ख्याल से फंडामेंटल राइट्स दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो पॉलिटी में ऑलरेडी मैं कवर करा चुका हूं, और आपकी जो स्टूडेंट्स पहले से हमारे साथ जुड़े हैं उनकी पॉलिटी भी पूरी फिनिश हो गई है 2024 के लिए। अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हो तो हमारे पास पूरा रेडी मटेरियल 2024 के लिए है, मस्त, कि उसके बाहर का कुछ आना ही नहीं है। कई बार लोग पता हंसते हैं, लोग बोलते हैं कि अरे यार ये कैसा क्लेम कर रहा है, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। अब वो ये नहीं समझते कि हमारा पढ़ाने का पैटर्न ही अलग है, हम आम कोचिंगों की तरह पढ़ाते ही नहीं है। आम कोचिंग वालों ने एक बार एक टॉपिक लिया, पढ़ाया, चल दिया, हम तो हर सोर्स से उठाकर आपको पढ़ा देते हैं कि लो ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो। शिवम पूछ रहा पॉलिटी कहां से पढ़े, अरे शिवम अभी आपको एक साल के बाद एग्जाम देना है ना, 2025 में दोगे आप आए थे, तो अभी आप चलने दो, आपकी पॉलिटी हो जाएगी, वापस से फिर से कवर करा देंगे। अभी जो चीज चल रही है वो चीज करो, डबल ट्रिपल बर्डन अपने ऊपर ले लोगे तो गेम खत्म हो जाएगा, थक जाओगे, जितना आज का है सिर्फ उतना।
हाँ सर पॉलिटी फिर से, 1 साल के आपके पूरे कोर्स में पॉलिटी फिर से आएगी, आपको चिंता करने वाली कोई जरूरत ही नहीं है। अगर 2024 में एग्जाम लिख रहे हो तो उसके लिए पॉलिटी का मटेरियल अवेलेबल है, 2025 में लिख रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर से आएगी पॉलिटी, फिर से लाइव क्लास करेंगे, फिर से मजा आएगा। एक एक करके चीजें खाओ, समोसे को ठंडा कर करके खाओ, गरम गरम खा लोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। पहले खाओ, पचाओ, पचाना भी जरूरी है, पढ़ते ही जाओगे पचाओगे नहीं तो फिर कैसे काम बनेगा। पढ़ो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, उसकी मेन आंसर राइटिंग करो, तब आप इस जंग को जीतोगे। अच्छा 26, हाँ सॉरी 26 में दे रहे हो क्या? हाँ शिवम भी 26 में दे रहे हैं, आशीष भी 26 में देंगे। बढ़िया, लग जाओ यार, ये गेम आपका है, जीतोगे आप। चलो जय हिंद, अब लग जाओ नोट्स बनाओ बढ़िया से, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्टूडेंट्स अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, IAS, IPS, SDM, DSP या कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूंगी हम क्या क्लेम करते हैं। हम ये क्लेम करते हैं कि 80% क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में हमारी पढ़ाई गई क्लासेस और नोट्स से नहीं आए तो पूरी फीस वापस। और फीस को लेकर चिंता मत करना, आगे तक देखते जाओ, मजा आने वाला है। अब दिमाग में सवाल आएगा कि ऐसा कैसा क्लेम कर रहे हैं कि 80% क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इनकी पढ़ाई गई क्लासेस से आता है। तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं, हम बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल स्क्रैच से पूरी चीज कवर कराते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू लेवल की कंप्लीट प्रिपरेशन, और कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के अंदर जो हम जनरल स्टडीज का कोर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे वो पूरा का पूरा जो है वो आपके लिए सफिशिएंट होने वाला है, प्रीलिम्स, मेंस सब के लिए। इसके अलावा क्लासेस हम लोग कहाँ पर कंडक्ट करवाते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन पर, हमारी एप्लीकेशन है ये, इसका नाम लिखा हुआ है झांसर अकेडमी फॉर IAS, जो आपको प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर जो है वो मिल जाएगी, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आप कोर्स ले सकते हैं। बात करते हैं कोर्स की फीस क्या है। तो कोर्स की फीस में बताने से पहले आपको बताता हूँ क्या क्या मिलेगा आपको कोर्स में। 500 से भी ज्यादा घंटों की लाइव क्लासेस, 280 से भी ज्यादा घंटों की करंट अफेयर्स की फ्री क्लास, फ्री करंट अफेयर्स की क्लास। यानी कि अगर आप कोर्स नहीं भी ले रहे हैं तो रोज आपको करंट अफेयर्स की फ्री क्लास जो है वो लाइव हमारी एप्लीकेशन पर मिलेगी, प्लस उसकी रिकॉर्डिंग, प्लस उसकी PDF भी। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों की क्लासेस अवेलेबल हैं। प्रॉपर आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, प्रॉपर नोट्स बनवाए जाएंगे क्लास में, और इतना बड़ा जो हम लोग क्लेम कर रहे हैं कि 80% एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस हमारी प्रोवाइड की गई क्लासेस और नोट्स से आएंगे, उसके हर सैटरडे को प्रूफ देते हैं। जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं, चाहे वो मेंस का हो या प्रीलिम्स का हो, हर सैटरडे वाले दिन उसका प्रूफ आपको दिखाया जाता है, जिससे कि आपके पास एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम भी एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। अब बात करते हैं फीस की, तो मात्र 7500 रुपए में पूरी 1 साल की तैयारी। अब और सिर्फ फीस 7500 रुपए में अगर आप आज बुक करते हैं तो ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर पूरी किताबें हैं A to Z, तो ये आपके घर पर जो है वो डिलीवर करवाई जाएगी। इंग्लिश मीडियम की अलग किताबें, हिंदी मीडियम की अलग किताबें, अगर आज अभी के अभी बुक करते हो तो ये फ्री गिफ्ट हमारी तरफ से जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इतना सब कुछ आपको कितने में मिलेगा, मात्र 7500 रुपए में, इंक्लूडिंग बुक्स जो आपके घर पर डिलीवर की जाएंगी, इंग्लिश मीडियम की अलग, हिंदी मीडियम की अलग, जो आपके। तो देरी मत करो, नीचे जो आपको बटन दिखाई दे रहा है लर्न मोर का या बाय नाउ का, उस पर क्लिक करो, डायरेक्ट कोर्स पे जाओ और कोर्स परचेज करो। जब आप कोर्स परचेज करोगे उसके बाद आपकी 1-to-1 लाइफ काउंसलिंग होगी, और जिस काउंसलिंग में आपकी पूरी स्ट्रेटजी बनवाई जाएगी कि कैसे इस एग्जामिनेशन को आप क्रैक कर सकते हो इजीली। सो देरी मत करो, तुरंत के तुरंत आज ही अपना एग्जामिनेशन क्रैक करने का सपना जो है वो साकार करो। जय हिंद।